अब जब पैदा हुए तो क्या हुआ? किसी बच्चे की पैदाइश के मौके पर माँ की गोद से जब वो आता है जमीन पर, तो माँ ही बता सकती है ना कि मेरा बच्चे की क्या पोजीशन थी उस वक्त। माँ के अलावा कोई दूसरा तो नहीं बता सकता। तो माँ से जब पूछा गया कि बताइए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मिलाद हुआ, जब वो पैदा हुए, तो जब जमीन पे आए तो उनकी कैफियत क्या थी? अब माँ का बयान तारीख के रिकॉर्ड पे, वो कहती हैं जब मेरे लाल ने धरती पे कदम रखा तो मैंने कमाल का मौजजा देखा, कमाल का करिश्मा देखा। मेरा बच्चा समझदार आदमियों की तरह सजदे में चला गया और जुबान फसाहत से जैसे नौजवान आदमी बोलता है, ऐसे मेरा मोहम्मद बोला, सुभान रब्बे लाला, मैं तारीफ करता हूं अपने रब की जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और उसके बाद मेरे लाल ने कहा, अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब, इस संसार में बसने वाले इंसानों को मेरे दामन रहमत में दे दे। ये दो बात उन्होंने कही है पैदा होने के फौरन बाद। और पैगंबर अगर पहले ही दिन बोल दे तो ताज्जुब मत कीजिए। पैगंबर की शान तो वो होती है कि वो बोला तो क्या बोला, वो तो पत्थरों से बुलवा देता है, दरख्तों से बुलवा देता है, पहाड़ों से बुलवा देता है। पहले ही दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, बिला बाप के थे ना, कुदरत दिखाना चाहती थी दुनिया को, हम माँ बाप के जरिए भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, बिला बाप के भी पैदा कर सकते हैं, और जो माँ बाप ना हो उसको भी, हजरत आदम का कौन माँ बाप है?